रैयत विस्थापित मोर्चा के तत्वाधान में मानकी बस्ती में शनिवार को रैयत विस्थापितों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कामेश्वर गंझू और संचालन आनंद गंझू ने किया। बैठक में मुख्य रूप से एनकेरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता उपस्थित थे। बैठक में मानकी बस्ती द्वारा महाप्रबंधक को दिए गए 4 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा हुई। बैठक में मानकी बस्ती के ग्रामीणों ने कहा कि आज तक मानकी बस्ती के ग्रामीणों का नौकरी मुआवजा सहित कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। प्रबंधन द्वारा 7 फरवरी तक पहल नहीं किया गया तो मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीण धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर रामलखन गंझू, कन्हाई पासी, रंजीत गंझू, शिवनारायण लोहरा, भरत महतो, अमर महतो, नरेश कुमार यादव, भुवनेश्वर गंझू, रूपलाल गंझू, प्रभाकर गंझू, दामोदर गंझू, नरेश गंझू, कुलदीप प्रसाद साहू, रंथु गंझू, देवचरण, दिलचरण यादव, बसंत यादव, करण गंझू, पिंटू तुरी समेत काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित। आज रैयत विस्थापित मोर्चा के तत्वाधान में ग्राम मानकी बस्ती में बैठक रखा गया, जो यहाँ के जो समस्या है 4 सूत्री 24 जनवरी को दिया गया था, उसमें अभी तक ले सीसीएल प्रबंधक कोई ध्यान नहीं दिए हैं और कोई बात विचार नहीं किए हैं। यहाँ के रैयत लोग ने एक सोच बना लिए हैं, अगर इसमें 15 रोज के समय दिया गया था, अगर सीसीएल प्रबंधक अगर 4 सूत्री मांग में अगर कोई बात विचार नहीं करता है तो 15 दिन के बाद जीएम ऑफिस के कार्यालय के सामने रैयत विस्थापित धरना पर निश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे और जब तक ले जो मांग है अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तो हम लोग तब तक ले धरना पर बैठल रहेंगे और जो ग्रामीण के जो यहाँ समस्या है, जिस ढंग से यहाँ पर रोजी रोटी की भी समस्या है, यहाँ बहुत वो लड़का लोग ने बेरोजगार है, यहाँ सीसीएल कोई प्रबंधक यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा अब ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। जो भी करना है अब हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे और देना होगा सीसीएल को, यानी तो हम लोग बाध हो करके इनके एरिया में तमाम हर जगह रैयत विस्थापित मोर्चा एरिया के जितने अधिकारीगण जा जाके हर गांव में जगाने और बताने का काम कर रहा है और सीसीएल को हम इतना भी चेतावनी दे रहा हूँ कि आप होश में आइए, आप होश में रहिए, यानी तो 1 इंची ज़मीन आपका कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आपका पुरनाटी हो, चाहे रोहनी हो, चाहे KDH हो, इनका आने वाला समय में सोचना पड़ेगा। जो यहाँ के जो रैयत लोग के जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो अगर उसमें अगर जहाँ पर अगर छल करने का काम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ मान की बस्ती में टोटल यहाँ रहे। आपके शहर डकरा के कुमकुम सुपरमार्केट में खुल गया कोयलांचल रेस्टोरेंट, कोयलांचल का एकमात्र फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आप पूरे परिवार के साथ पहुंचकर भोजन का आनंद उठा सकते हैं। हमारे यहाँ इंडियन, चाइनीज और तंदूरी के सभी आइटम उपलब्ध हैं। एक बार जरूर आए, हमारा पता है कोयलांचल रेस्टोरेंट, कुमकुम सुपर मार्केट, मेन रोड टकरा।